उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है उस्ताद जी? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। खैरियत से? खैरियत है। तबीयत से ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जामनू क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक है अल्लाह के शुक्र। उस्मान व्लॉग में खड़े हुए सात मरले वाले में। तो उस्ताद जी अपना पूरा नाम तो बताए ना पहले। मेरा नाम जी मोहम्मद शफीक है जी। मोहम्मद शफीक, और किधर के हैं? मैं जी इधर गोरफर से आगे ना, मेरा गांव है इधर बाग रजगान। अच्छा अच्छा, उधर के? जी जी उधर। और ये टाइलों में माशाल्लाह कितना टाइम हो गया? टाइलों में जी तकरीबन 25 साल हो गए। अच्छा 25 साल हो गए, माशाल्लाह। नहीं बड़ा अच्छा और साफ काम है। तो आज क्या सीन कर रहे हैं? आज जी ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर की ठीक लगाएंगे। ठीक है, और अभी लेवल चलाने लगे हैं। मैं बिस्मिल्लाह करें, साथ साथ समझाना भी है। अच्छा, ऐसा समझाना है कि मुझे भी समझ आए। अच्छा उस्ताद जी, इसका अगर ये लेवल ठीक ना लगे तो इसका नुकसान क्या है, और अगर ठीक लगे तो इसका फायदा क्या है? फायदा इसका ये है सर जी कि आप जिधर रखेंगे ना, एक लेवल रखेंगे सारा कमरे का, तो सारा एक लेवल लगा। अगर निशान में गड़बड़ हुई ना, फिर वो फर्क आ जाता है, टाइल ऊंची नीचे हो जाती है। तो टाइल जो ऊंची नीचे हो जाती है, मतलब पानी खड़ा होगा, क्रैक आएगा, जल्दी क्रैक आएगा, पानी खड़ा होगा उसमें ज्यादा। ये मेन उसके मसले हैं। ये जो दरवाजे के होते हैं ना, हम इसको डेल बोलते हैं, इस डेल में फर्क आ जाता है, फिर वो ऊपर नीचे लगती है। फिर वो दूर से ना लाइट लगे ना, तो फिर ये ऊपर नीचे अगर सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है जी सारा, अगर आपका लेवल ठीक ना हो। हाँ जी, ये अगर लेवल सही ना हो ना, तो फिर सारी गड़बड़ होती है। अच्छा फिर ये चले, 30 इंच का निशान लगा रहे हैं फर्श से। 30 इंच में? 20 इंच पर, क्योंकि ये मुंह में सामने होता है ना, वो 2 फुट पर लगे नीचे लगाए, फिर नीचे होना पड़ता है। इधर ये मुंह के सामने होता है, सही नजर भी सही आता है। मुंह के सामने कौन होता है ये निशान? अच्छा अच्छा, मुंह के सामने हो गया। ये खुद ही आप 30 इंच लगा देते हैं? हाँ खुद लगाते हैं, फिर इसके ऊपर आगे से वाटर लेवल से चलाएंगे आगे, फिर जिधर भी निशान लगाएंगे इंशाल्लाह इसके बराबर आएगा। नहीं आप 30 इंच भी लगा सकते हैं, 32 इंच लगाए वो कोई टेंशन। अच्छा, पर आप लोग 30 इंच? हाँ 30 इंच पर हम लगाते, क्योंकि बैठते हैं तो बिल्कुल आपकी नाक की सीध में आता है। जी बिल्कुल सीध। अच्छा, ये आपने 30 इंच में नीचे से लेके जी ऊपर तक आपने ये मार्कर से जी निशान लगा लिया, तो ये जो मार्कर की ऊपर वाली लाइन है, हाँ ये लेवल के बराबर है, ये 30 पे आनी चाहिए, ये 30 पे आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सारी गेम इस पे चलेगी? जी जी, सारी गेम इस सारा लेवल से चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जानू आ इधर, जानू आ ना उस्ताद जी के पास। ये पकड़, ये तो बाबू का। आज तो मौसम भी अच्छा है। हाँ जी, उस्ताद जी के पास बराबर करो ना, उस्ताद तुझे बराबर कर देगा। चलो लगाओ निशान, मेरे घर में लगे हुए हैं, बराबर करो। नहीं वो सही है, बराबर है। जी जी बराबर है। अच्छा वो जो है ये असल लगे है? जी अभी लगा है, ये 30 इंच पर। अच्छा एक मिनट बैठे ना। अच्छा, ये आपने उसकी तरह तार की तरह काम किया है, मतलब आपने यहाँ रखा हुआ है इधर से ये बराबर होगा ना? अच्छा, और ये निशान पे इधर देखा ना, इधर ये पानी इधर ये है बराबर का साजिद जी, एक ये बराबर होगी, बराबर नहीं बराबर सर जी आपने पता। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर करो, ये बराबर है नहीं है इधर निशान पे बराबर है, निशान ने टॉप ना बराबर करे, ऐसा निशान ने टॉप ना, उत्ते थोड़ा ही फर्क है। बराबर है बिल्कुल। हाँ जी बराबर है। अच्छा चलो, ये आपका ये निशान आ गया है जी, और ये जो स्टार्ट किया ये इधर से स्टार्ट किया है जी, ये इधर से ये निशान ही है। ये पानी इसके बराबर होना चाहिए, पानी बराबर होना चाहिए इसके जी। पानी बराबर कर दें। चलो पानी बराबर हो गया। अच्छा वो उधर ही बैठा रहेगा? वो उधर ही बैठा रहेगा, बराबर कर तुम्हें निशान लगाता हूँ। सही बराबर करा सारी ना है। तो मतलब उस्ताद जी, जब वो उधर निशान पे बराबर हो जाएगा जी, तो इधर ये बराबर सर जी, पानी जिधर भी खड़ा होता है ना, पाइप में हो, टब में हो, बाल्टी में हो, पानी अपनी सतह बिल्कुल बाहर रखता है। अच्छा, लेवल से आउट नहीं होता पानी कभी भी। अच्छा लेवल से आउट नहीं होता? नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, तू उधर ही रहेगा? बराबर है जी जी।
पानी इधर हो गया है जी। तो ये कमरे में कितने लगाते हैं? ये कमरे में चारों कोनों में लगाते हैं, ये बाथरूम में भी आप लगाएंगे, अलमारी पर जगह लगाएंगे। ठीक है, हाँ बराबर कर, बराबर कर। छोड़ा क्या, बराबर कर। क्या था छोड़ा? किसकी? तेरी अपनी जुबान है। तूने इधर पंजाब में किसी को बोल दिया छोड़ा तो साजी वो क्या करेंगे इसका? ये भी समझते हैं ना। अच्छा समझते हैं, ये समझते हैं ना, बाहर क्यों नहीं समझता? समझा लेगा उनको। चलो जी, ये पानी है जी हमारा, ये पानी के बराबर निशान लग गया, ये पानी आ गया है। हाँ जी, चलो जी, हाँ हाँ बराबर कर, छोड़िया ना। पानी बराबर हो गया, खाली यार पानी नजर आ गया। क्या आ गया? नजर आ गया पानी, पाइप जो थोड़ा दुधला था ना, उसमें पानी समय से निकालते नहीं है ना, अगर पानी निकलवा दें उसी वक्त लेवल चला दे तो फिर ये खराब नहीं होता पाइप। अच्छा, उसी वक्त अगर कर दें तो फिर ये खराब नहीं होते हैं? पानी इसमें खड़ा रहता है, फिर जम जाते हैं, इसको महल सी जम जाती है पानी की, फिर वो फ्लो नहीं बनते हैं जी, फिर नजर नहीं आता पानी। तो इसी तरह अभी आप सारे कमरों का जी लेवल चलाएंगे, लेवल चलाएंगे। अभी ये पानी है, बराबर है जी? जी बराबर है। अच्छा, ये पानी है, ये हमारा ठीक हो गया। तो इसी तरह भी आप पूरे फ्लोर में जी, पहले पूरे पूरे फ्लोर में लगाएंगे ना निशान, हाँ? फिर उसके बाद जो है ठीक लगाने शुरू करेंगे। चल जी बराबर कर, छोड़ना छोड़ना। हो गया जी बराबर, पानी चल रहा है तो बराबर ही है, सही करके बराबर करे साजा तो तक गलत ना करें। तो ये आपका इसी तरह आप सारे कमरों के सारे लाउंज के आप सारे कोनों में लगाएंगे, और जब ये लग जाएगा तो उसके बाद फिर इसके ठीये लगाएंगे। कोने में पहले लगाएंगे ठीये, लगा के सोचा रख के ना ठीये ऊपर, फिर सेंटर में लगाएंगे ठीये, एक उधर सेंटर में, ये सेंटर इधर सेंटर, इधर एक सेंटर में लगाएंगे। तो अभी जब आप ठीये लगाएंगे फिर हम ठीये वालों को कवर कर लेंगे, ठीक है ना? बहुत मेहरबानी उस्ताद जी, आगे तो सारा ये सिस्टम चलेगा ना? यही सिस्टम होगा। ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, अभी क्या करने लगे? ये चेक करने लगे, जिधर से पूछा है उसे उसके हिसाब से लगाएंगे। अब ठीये लगाने लगे जी, और ठीये का क्या मकसद होता है? ठीये का मकसद ये होता है कि हमने फर्श को बराबर करना है, ठीक है? ये लेवल का निशान लगे ना, ठीक है, हर ठीये मैच इससे बराबर होगी, और फिर जब आप माल डालेंगे तो वो ठीक उसके बराबर डालेंगे माल सारा। तो अभी आप ठिया बनाने लगे? जी ठिया बनाने लगे। अच्छा अच्छा अच्छा, साथ साथ समझाते भी जाने हैं उस्ताद जी। ये अभी जगह लेवल करें जी, चला तूने मुर्गियां बेच दी थी घर? बेच दी, ठीक है उधर? जी ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? अच्छा लेवल ऊंचा नहीं दे रहा, चलिए ये काट के छोटा कर। अच्छा अच्छा, ये भी 25.5 इंच हो गया जी। ठीक है, ये अभी हम सारे लगाएंगे 25.5 इंच के हिसाब से। अच्छा 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 अच्छा, सारा फर्श हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ये अगर फर्श करें 26 इंच निकलता है, 27 इंच निकलता है, तो सारा आप 27 इंच के बराबर कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, बस एक आपने कर लिया, और इसके साथ अब ये आप इसका मसाला लगा रहे थे इसने, और इसी से आप ठियों के लेवल बनाते जाएंगे। इसी से सारे ये चारे कोने में बनाएंगे ना, इसी से सूत्र रख के ना, सूत्र के साथ में ना हम कंट्रोल लगाएंगे, इधर लंबाई ज्यादा है जरा, ठीक है? वो सूत्र वाला भी करके दिखाएंगे, मेहरबानी है आपकी उस्ताद जी। पानी और ये भी चारों कोनों में लगाते हैं जी? चार कोनों में लगाते हैं।
रामू तुझे आते है करना? कर लेंगे आते है। तो सीख उस्ताद जी से सीख। क्यों उस्ताद जी? काम सीखना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, शुरू करेगा तो सीखेगा ना? हाँ, ये तो इसके अपना जहन की बात है जी। जहन ऐसा कहीं और ही होता है खुद भी ज्यादातर कहीं और ही होता है ये। तो तोड़ते मोड़ते हाथ नहीं जख्मी होता होगा? नहीं, पहले होता था। हाँ, पहले था, मैंने मारी थी अंगूठा, मैंने काटा था जैसे। हाय हाय, लेकिन तजर्बा हो गया ना तो अब अंगूठा नहीं कटता है। चलो सबसे अच्छी बात। ये भी आपने वही लिया? 25.5 इंच का। 25.5 इंच बनाएंगे जी। साजे सूत्र ईंट रखी है उसने पर रखी है मैंने रखी है। अपर रखना ईंट, अपर रख इधर हो जाए। ठीक है, ऊपर ईंट रख। ये दूसरी ईंट दे दे। ये बस छोड़ दे उसको। अच्छा, ये डोरी बांध दे। वैसे शेखू जी ने भी समझाया था, पर जितना बंदा सीखता रहे उतना अच्छा है। क्यों उस्ताद जी? सही बात है, समझ तो आने में। चलो, उस्ताद से पूछने में कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा ही होता है ना। बात तो आपने ठीक की है। क्यों जामनू जी, तू भी कुछ पूछा करना, इनके पास और भी बड़े इल्म है। उस्ताद जी अस्तगफिरुल्लाह का अच्छी मतलब अच्छी चीजों के इल्म है। हाँ, ये बात हाँ। ये जी हमने बराबर कर दिया सूत्र के। ठीक है, अब ये देखें बिल्कुल बराबर है सूत्र के। ठीक है, ये अभी एक और लगाएंगे इसमें। अच्छा, सूत्र के बराबर हो गया तो मतलब अभी सारी जगह लेवल पे है। लेवल हो जाएगी ये जो ठीक है आपके लग रहे हैं जी। और ले आ। ये देखें ये उनको बराबर है, बट डोर के बराबर आ गए हैं जी। ये देखें डोर के बिल्कुल एक सीध पे जी। ये सारे आप एक ही लाइन पे चल रहे हैं? सारे एक लाइन पे चलेंगे इंशाल्लाह, जितने भी ठीक है आपके हैं जी। और इसी तरह आप पूरे फ्लोर में इसको लगा देंगे। फिर जब घास डाल लगाते हैं ना, बजरी डाल के, फिर वो सारा जो है ना सारा एक लेवल आता है, एक लेवल पे आ जाएगा। फिर आप कच्चा छच्चा करके इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद मतलब ये आपका ठियो वाला काम इधर पूरा हो गया। ठीक हो गया, बहुत मेहरबानी उस्ताद जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हला प्यार है, थोड़ा स्माइल देना उस्ताद जी, कंधे पे हाथ डाले ना, पता चले उस्ताद उस्ताद या गिर्द का प्यार लोगों को पता चलना चाहिए, होना चाहिए ना जी। हाँ, वेरी गुड।